हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट के साथ में। देखिए, इंडियन स्टॉक मार्केट के दोनों ही इंडेक्सेस में जरूर गिरावट है। हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर पांच शेयर्स की। थंबनेल से आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस किस शेयर की हम बात करने वाले हैं। जोमेटो है, IEX है। IEX की जो गिरावट की वजह है वो मैं आप लोगों के साथ आज साझा करूंगा इस वीडियो के अंदर। पता तो पहले भी चुका हूं, लेकिन फिर से जो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर क्यों गिरावट हो रही है, IEX क्यों गिर रहा है इतना। जोमेटो की बात करूंगा, IEX की, टाटा पावर की, येस बैंक की बात करेंगे और लास्ट में टाटा स्टील की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बारी बारी से सभी शेयर्स को जानने की कोशिश करते हैं कि क्या किसके अंदर परफॉर्मेंस चल रही है और कितनी गिरावट या अप मूवमेंट की एक्सपेक्टेशंस की जा सकती है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब जो है मुझे और मोटिवेट करता है, ताकि सही स्टॉक्स के बारे में सही टाइम पे सही जानकारी इस चैनल पे मैं आप लोगों को हमेशा देता रहूं। और आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप मेरे दोनों ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, अपडेट्स के लिए भी और क्वेरीज के लिए भी। तो हमारी लिस्ट में पहले स्टॉक आता है जोमेटो, जो पूरा दिन देखिए गिरावट थी शुरू मार्केट जब ओपन हुई, बीच में मेंटेन करने की कोशिश की, अच्छी खासी तेजी भी दिखाई, 62-63 रुपए तक स्टॉक गया और उसके बाद से दोबारा से गिरावट ही देखने को मिल रही है। 60.95 रुपए पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लास्ट क्लोजिंग 61.45 रुपए पे थी। 5 दिन के अंदर 6.5% की करेक्शन है, लेकिन 1 महीने के अंदर 13.5% तक के रिटर्न जोमेटो ने दिए भी है। अब सवाल यह आता है कि जोमेटो को क्या बाई करना चाहिए, या फिर जिन लोगों ने ऑलरेडी नीचे के लेवल से बाई कर रखा तो क्या उन्हें होल्ड करके चलना चाहिए। तो यहाँ पे ये मैं चीज तो आप लोगों को पहले भी कह चुका हूँ कि जोमेटो जो है एक लॉन्ग टर्म का प्लेयर है, शॉर्ट टर्म में यहाँ कुछ नहीं आने वाला है। शॉर्ट टर्म में सही टाइम पे एंट्री लेके सही टाइम पे एग्जिट करना भी 10-20% प्रॉफिट कमा के आपको दे सकता है, लेकिन बात तो लॉन्ग टर्म की है ना। क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो 10-20% ही प्रॉफिट मिलने वाला है, लॉन्ग टर्म में आपको अगर मल्टीबैगर रिटर्न चाहिए तो लॉन्ग टर्म होल्ड करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब भी ऑनलाइन फूड डिलीवरी की बात आती है तो जोमेटो का नाम सबसे ऊपर आता है। तो आने वाले टाइम में ऑनलाइन फूड डिलीवरी सिस्टम इतना ग्रो हो जाएगा कि आप लोगों को जोमेटो का शेयर भी रॉकेट की तरह बनता हुआ नजर आ जाएगा। अगर मैं बात इसके आज के देखिए वॉल्यूम की करूँ तो 16 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम हुआ है, लाखों में नहीं है, 16 करोड़ के वॉल्यूम आसपास जो है आज ट्रेड होते हुए देखने को मिल चुका है। बाइंग क्वांटिटी जो है वो ऑलमोस्ट जो है लगभग 2.5 करोड़ के आसपास की है, और उसके बाद 2.5 करोड़ की नहीं, 26,75,211 की है, और जो सेलिंग क्वांटिटी है वो 10,89,318 की है। अब आप खुद सोचिए, 11 लाख का सेलिंग प्रेशर और 26 लाख का बाइंग प्रेशर होने के बावजूद भी 16 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड हो चुका है, और उसके बावजूद भी स्टॉक में गिरावट ही हमें देखने को मिल रही है, जबकि बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर से काफ़ी ज़्यादा है। तो मार्केट में आज गिरावट है तो थोड़ा बहुत मार्केट ट्रेंड को भी फॉलो करना जरूरी है। ऐसी बात नहीं कि हर टाइम स्टॉक भागता ही रहे। तो जोमेटो जो है एक लॉन्ग टर्म का प्लेयर है और लॉन्ग टर्म होल्ड करके आप चल सकते हैं। फ्रेश एंट्री लेना चाहें, डिप में परचेजिंग करके ले सकते हैं। जिन लोगों ने ऊपर के लेवल से बाई कर रखा है, शॉर्ट टर्म के लिए कर रखा था, वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म वाले होल्ड करके बिल्कुल चल सकते हैं। बात अगर मैं IEX की करूं तो गिरावट देखिए लगातार जारी है। IEX के अंदर 3% के आसपास की गिरावट, 4.60 रुपए की, 159.15 रुपए पे स्टॉक आ चुका है। लास्ट क्लोजिंग 163.75 रुपए पे थी। 5 दिन के अंदर 3.5% की करेक्शन है, और ऑलमोस्ट 1 महीने के अंदर 1% के आसपास की करेक्शन इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में हो चुकी है। आज का वॉल्यूम 1 करोड़ को पार चुका कर चुका है। 1 करोड़ वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। बाइंग प्रेशर देखूं तो 6 लाख का बाइंग प्रेशर, और सेलिंग प्रेशर जो है 5,12,000 का है। अब गिरावट की जो सबसे बड़ी वजह वो ये है कि जितने भी स्टेट्स जो हैं पावर ट्रेडिंग करते हैं IEX के थ्रू, तो बहुत सारे जो राज्य हैं उनके ऊपर कर्जा जो है IEX का बहुत ज़्यादा अमाउंट में कर्जा बाकी है, और कब तक कंपनी कोई भी मेंटेन कर पाएगी जब तक उनका कर्जा जो है उनको लौटाया नहीं जाएगा। अब यहाँ पे पावर ट्रेडिंग करनी होती है, ठीक है, एक अलग बात है, वो स्टेट्स का अपना अपना एक नज़रिया है जिसको जितनी भी करनी है, लेकिन अगर कर्जा हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि भाई IEX कहाँ से कब तक चलेगा। अब वो कर्जा जब तक रिटर्न नहीं होगा तब तक आपको तेजी नहीं देखने को मिलेगी IEX के अंदर, और 13 स्टेट्स के ऊपर हैवी क्वांटिटी के अंदर IEX का कर्जा बाकी है। जब तक ये कर्जा रिटर्न नहीं होगा तब तक पावर ट्रेडिंग विंडो उन स्टेट्स के लिए बंद रहेगी, और तब तक स्टॉक में भी आपको तेजी नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन एक चीज़ जरूर कहूँगा कि एक लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है, ऐसी बात नहीं है कि शॉर्ट टर्म में ही ये गिर पड़ के ऐसे खत्म हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ये लॉन्ग टर्म का प्लेयर है, शॉर्ट टर्म में तो यहाँ पे करेक्शन ही देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 8-9 महीने हो चुके हैं गिरावट को देखते हुए। जैसे ही वो कर्जा रिटर्न होगा वैसे ही आप लोगों को तेजी भी IEX के अंदर जरूर नजर आ जाएगी। अगर बात टाटा पावर की करूं तो टाटा के देखिए टाटा पावर है, टाटा स्टील है, इन स्टॉक्स के अंदर आप एक चीज़ नोटिस करिए आपने टाटा मोटर्स के अंदर कि रिटर्न्स ज़्यादा नहीं दे पाए हैं। भले ही टाटा का भरोसा जरूर है, लेकिन रिटर्न्स जो है टाटा के इन शेयर्स ने नहीं दिए हैं। अपोजिट में अगर टाटा इलेक्सी की बात करूँ तो उसने रिटर्न्स में बंपर रिटर्न्स भी दिए हैं, लेकिन टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा जो है अपना मोटर्स है, इनके अंदर एक ज़्यादा रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस नहीं की गई है। क्यों? क्योंकि इन स्टॉक्स के अंदर वोलेटिलिटी इतनी ज़्यादा रहती है कि एकदम से भाग जाते हैं और एकदम से गिर भी जाते हैं। तो IEX की भी कंडीशन वैसी ही है।
टाटा पावर की भी, और एक महीने के अंदर देखिए आप 1% के आसपास की करेक्शन है, 5 साल के अंदर 184% के ही रिटर्न्स दिए हैं। अब 5 साल के लिए होल्डिंग्स बना के रखना, जिसमें से 4 साल तो ऑलमोस्ट एक रेंज में ही निकाले हैं, जो 184% का रिटर्न मिला है वो ऑलमोस्ट 1.5 साल के अंदर ही मिला है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस जो है वो ज़्यादा है टाटा पावर लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है, शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आपको टाटा पावर से भी कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आज का वॉल्यूम देखूँ तो 1,30,00,000 के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हो चुका है, और 479,130 शेयर्स बाइंग ऑर्डर में है, और 640,000 सेलिंग ऑर्डर में देखने को मिल रहे हैं, और मार्केट डाउन है तो स्टॉक में भी आज डाउन मोमेंट ही हमें देखने को मिल रहा है। टाटा स्टील की बात करूं तो रिसेंटली ही जो है ऑलमोस्ट 1 महीने के अंदर जो है कंपनी ने बोनस अनाउंस किया, 1:10 का स्प्लिट दिया, और स्टॉक का प्राइस आया था लगभग 90 रुपये की रेंज में, वहां से तेजी दिखाई और अब जो मार्केट में गिरावट है तो टाटा स्टील के अंदर भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। लास्ट क्लोजिंग 110.05 रुपये पे थी और अभी 106.95 रुपये पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 5 दिन के अलावा अगर मैं बात करूँ तो 4.5% की करेक्शन है, और अगर 1 महीने की बात करूँ तो 14% तक के रिटर्न्स भी दिए हैं टाटा स्टील ने। और अगर मैं आज का वॉल्यूम देखूँ तो 4,22,69,213 शेयर्स का वॉल्यूम ट्रेड हो चुका है, 7,00,000 क्वांटिटी जो है ऑलमोस्ट वो बाइंग ऑर्डर में देखने को मिल रही है, और 8,94,000 सेलिंग ऑर्डर में भी देखने को मिल रही है। यानी कि स्टॉक को जो है ज़्यादा क्वांटिटी में लोग सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाइंग में कम प्रेशर है, तो इसलिए स्टॉक में भी गिरावट है। और दूसरी बात, मार्केट ट्रेंड में भी आज गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो टाटा स्टील भी लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है, शॉर्ट टर्म में ऐसे स्टॉक से जब तक मार्केट स्टेबल नहीं होगा तब तक 2 दिन से गिरावट है, तो स्टॉक में भी आपको गिरावट ही देखने को मिल रही है। वहीं लास्ट शेयर अगर येस बैंक की मैं बात करूं तो एक बड़ी अपडेट येस बैंक से निकल के आ रही है, 16.35 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, 1.21% की गिरावट है, कुछ मार्केट करेक्शन और कुछ स्टॉक में वैसे करेक्शन। 16.55 रुपये पे लास्ट क्लोजिंग 1 महीने के अंदर 11% तक का जंप भी दिखाया है, और अगर मैं 6 महीने की बात करूँ तो 20% तक के रिटर्न जो है येस बैंक ने दिए भी हैं। घोटाला कर चुकी है वो एक अलग बात है कंपनी, लेकिन अब लगातार कोशिश कर रही है। तो देखिए, कास्टलर पार्टनर्स येस बैंक फॉर डिजिटल एस्क्रो सर्विसेज, यानी कि डिजिटल सर्विस एक्सक्रो सर्विसेज के लिए जो है कास्टलर पार्टनरशिप और येस बैंक ने जो है पार्टनरशिप कर ली है। पार्टनरशिप डेट बोल्स्टर्स इनोवेशन येस बैंक अनाउंसेस इन्वेस्टमेंट इन बीम फिनटेक फंड, यानी कि यहाँ पे कंपनी ने एक और जो है अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए पार्टनर को चूज कर लिया है, और आने वाले टाइम में येस बैंक की परफॉर्मेंस हो सकता है आप लोगों को एक नई ऊंचाइयों की तरफ जाती हुई देखने को मिल जाए। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें।